नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक बार फिर कोरोना विस्फोट सामने आया है। बिहार में आज 3,416 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 68,000 के पार चली गई है। 68,148 कुल संक्रमित हो गए हैं बिहार में नए मरीजों के मिलने के बाद। और सबसे अहम जानकारी ये कि पटना में आज कोरोना का भीषण विस्फोट हुआ है। लगातार पटना से विस्फोट सामने आ रहा है, लेकिन पटना में आज 603 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर जो अपडेट जारी किया है, उसके मुताबिक अररिया से आज 77, अरवल से 33, औरंगाबाद से 28, बांका से 58, बेगूसराय से 66, भागलपुर से 128, भोजपुर से 90, बक्सर से 92, दरभंगा से 40, ईस्ट चंपारण से 190, गया से 77, गोपालगंज से 24, जमुई से 42, जहानाबाद से 29, कैमूर से 3, कटिहार से 234, खगड़िया से 50, किशनगंज से 24, लखीसराय से 43, मधेपुरा से 44, मधुबनी से 75, मुंगेर से 57, मुजफ्फरपुर से 118, नालंदा से 102, नवादा से 43, पटना से 603, पूर्णिया से 80, रोहतास से 106, सहरसा से 101, समस्तीपुर से 139, सारण से 94, शेखपुरा से 69, शिवहर से 14, सीतामढ़ी से 14, सिवान से 92, सुपौल से 33, वैशाली से 163 और वेस्ट चंपारण से 89 कोरोना के मरीज मिले हैं। तो बिहार में एक बार फिर कोरोना का भीषण विस्फोट, स्थिति कितनी भयावह है इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 68,000 के पार चली गई है बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या। रोज 2,000 या 3,000 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। आज जो स्थिति है वो हमने आपको बता दिया है। 3,416 यानी 3,000 से भी ज़्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। और पटना में तो भयंकर विस्फोट हुआ है, 609 कोरोना के मरीज पटना से मिले हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।